जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों में। और मैं आज लेकर आया हूं 551 से लेकर 600 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब। तो ध्यान से आप नोट कर रहे हैं और इन्हीं सीरीज को मैं आगे भी कंटिन्यू करता रहूंगा और जितने भी हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं मैं वो आपको डेली बताता रहूंगा। आज का पहला सवाल, हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष औद्योगिक पैकेज मिलना आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर रहेगा वो है 2003 से जो है ये पैकेज मिलना शुरू हुआ था। कब से हुआ था? 2003 से ये पैकेज मिलना शुरू हुआ था। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, प्रदेश की पहली पन विद्युत परियोजना कौन सी है? तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है, भूरी सिंह द्वारा जो है ये चलाई गई थी सन 1908 में चंबा में। तो ये पानी के लिए भी जाने जाते हैं और मैंने पानी वाले मुख्यमंत्री भी बताए हैं, वो शांता कुमार जी हैं, तो वो भी आपने लर्न रखना है। अगला सवाल है, शिमला का की चावा विद्युत परियोजना किस वर्ष बनी? तो वर्ष बनी ये 1912 में। कौन से साल में बनी थी? सन 1912 में जो है ये बनकर तैयार हुई है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 जनवरी 2011 को। 6 जनवरी 2011 इसका सही आंसर रहेगा। इसी प्रकार से आपको ये आंसर्स जो हैं प्रैक्टिस करनी है। शिमला जिले के रोड़ू उपमंडल की चढ़गांव तहसील के समीप आंध्रा जल विद्युत परियोजना, क्योंकि आंध्रा नदी का नाम है और आंध्रा नदी पर बनी है इसीलिए इसको आंध्रा जल विद्युत परियोजना कहते हैं, ये कितने मेगावाट की है? तो ये मैंने आपको बता दिया, शिमला के रोड़ू में है और ये 16.95 मेगावाट की जो है क्षमता रखती है। ये परियोजना आंध्रा नदी पर ही बनी है, इसलिए याद रखिएगा खासकर बच्चों। अगला सवाल, प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है नाथपा झाखड़ी परियोजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 1500 मेगावाट की है और सबसे बड़ी जो है वो परियोजना हिमाचल प्रदेश की है। अगला है, मलाना अल्लन बनेर दुल्हगन और न्योगल जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर बनी है? ये आपको मलाना से ही आइडिया लग गया होगा कि ये मलाना यानी कि कुल्लू साइड की बात की जा रही है, तो कुल्लू से जुड़ा हुआ सवाल है और कुल्लू से जो है हमारी सिर्फ एक ही नदी है वो है ब्यास नदी, तो ब्यास नदी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, होली जल विद्युत परियोजना, अब होली जो है वो होली नाला के ऊपर बनी है चंबा में, तो इसलिए ये रावी नदी को जल प्रदान करती है होली नाला, ठीक है। होली नाला किसको प्रदान करता है? रावी नदी को जल प्रदान करता है, चंबा में है तो होली जल विद्युत परियोजना इसलिए रखा है, ठीक है। होली एक प्लेस का जगह का नाम भी है जो कि चंबा में ही स्थित है। अगला है, गिरी जल विद्युत परियोजना, ये भी गिरी नदी के ऊपर ही बना है, दो नदियों का संगम है, मिलन हुआ है और कहां हुआ है? ददाहू में हुआ है। कहां हुआ है? ददाहू में हुआ है, निकट चट्टानी जो बांध पर बनाई गई है, 100 मेगावाट की है, सिरमौर में। और ये जल्लाल और गिरी दो नदियों के संगम से बना हुआ है। कौन सा? गिरी जल विद्युत परियोजना, जिसको हम रेणुका बांध परियोजना भी कहते हैं अब, मगर ये है पहला जो पुराना नाम है वो इसी प्रकार से। डीप जी के पूछा जाएगा आपको, इस बार हिमाचल पुलिस के लिए भी पूछा जा सकता है और एचपी टैट के लिए, पटवारी के लिए और किसी भी एग्जाम्स में जो एचपीपीएससी के द्वारा होंगे वो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएगा। थियोट जल विद्युत परियोजना कहां पर है? तो थियोट जल विद्युत परियोजना लाहौल स्पीति में स्थित है। कहां पर है बच्चों? लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला सवाल, हिम स्वान परियोजना कब आरंभ हुई? हिम स्वान परियोजना जो है वो 5 फरवरी 2008, हाँ 5 फरवरी 2008 को आरंभ हुई थी, याद रखिएगा 5 फरवरी 2008। शिवालिक का अर्थ क्या है? तो शिव की जटाएं, ये शिवालिक का अर्थ है। अगला सवाल है,
किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत से कौन सा पर्वत अलग करता है या कौन सी श्रेणी अलग करती है? वो है जास्कर श्रेणी बच्चों, वो इसे अलग करती है। अगला सवाल, हिमनद, हिमनद मतलब हिम का, ठीक है, हिम द्वारा बनी गई, तो स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? हिमनद मतलब ग्लेशियर भी बोल सकते हैं, तो वो शिगड़ी या बड़ा शिगड़ी, तो स्थानीय भाषा में इसको शिगड़ी कहा जाता है। ठीक है जी, ऐसे चंबा किस नदी का के दाहिने किनारे पर स्थित है? तो चंबा जो है वो कौन सी नदी किनारे है? सिर्फ एक है, रावी नदी के किनारे पर है, और रावी नदी जो है वो चंबा से जो है खैरी नामक स्थान से छोड़ के जाती है। तो याद रखिएगा, रावी नदी, पार्वती सीधा आ गया ब्यास नदी के पास, ठीक है, हुरला, सैंज, ये सभी बाणगंगा, ये सारी सहायक नदियां किसकी हैं? कहीं से आपको बेटा एक तुक्का तो मिल ही जाएगा। अगर आपको ये नदी नाले जो हैं थोड़े बहुत याद होंगे तो मिलते जुलते के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं। पार्वती से जो है मणिकरण की आपको याद आएगी, किसकी आएगी? मणिकरण की आएगी। तो मणिकरण की याद आएगी तो बेटा उसके बाद सब इजी हो जाएगा। हुरला, हुरला जो है, हरला भी बोल सकते हैं, कई बुक्स में हरला लिखा होता है, कुल्लू में ये नदी है, ठीक है, वो भी ब्यास से मिलती है। सैंज है, लूनी है, उल है, उल कई बार कांगड़ा वाले सब जानते हैं, बाणगंगा कांगड़ा वाले सब जानते हैं। कुछ नदियों को आप बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से आप पहचान पाएंगे, और उन जब आप पहचान पाएंगे तो आप उस नदी के ही साथ यानी कि उसी को ही अपना आंसर मानेंगे। ब्यास नदी इसका सही आंसर रहेगा। टोंस, बाट, गिरी किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, और आपको अभी बताया है शिमला के पास बहती है ये सभी सभी, ठीक है। यमुना आठवीं सदी में तिब्बत के में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने पद्म संभव कहां ठहरे थे? तो वो ठहरे थे पद्म संभव रिवाल्सर झील, जहां पे लेक बनाया गया है, वह उनकी बहुत बड़ी मूर्ति जो है पद्म संभव की लगाई गई है। और आपको याद रखना चाहिए रेणुका झील, सॉरी रिवाल्सर झील, जिसको तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। अगला है, जो किन्नर लड़कियां शादी नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जोमो। क्या कहते हैं? जोमो, यानी कि बौद्ध भिक्षुणी, बौद्ध भिक्षुणी। अगला है, आर्य नेता दोवोदास का प्रमुख सलाहकार कौन था? तो वो थे ऋषि भारद्वाज। कौन थे? ऋषि भारद्वाज जो थे वो इसके प्रमुख सलाहकार थे। अगला है, देवोदास और शावकर का युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये चला था 40 वर्षों तक। कितने सालों तक चला था? 40 सालों तक चला। नूरपुर की स्थापना तोमर राजपूत जेठपाल ने 1100 ईस्वी में की, इसकी राजधानी क्या थी? तो आपको बताया पठान भी है, प्रतिष्ठान भी कई जगह लिखा है, पठानकोट का ये असली नाम है, जो पुराने नाम है, तो आपने ये याद रखना, पठानकोट को जो को अपनी राजधानी बनाया था। सुकेत रियासत के संस्थापक कौन थे? तो सुकेत रियासत के जो संस्थापक थे वो थे वीर सेन। कौन थे बच्चे? वीर सेन जो है सुकेत रियासत के जो है वो संस्थापक रहे हैं। मंडी नगर की स्थापना अजवर सेन ने कब की? तो मंडी जो नगर की स्थापना है अजवर सेन के द्वारा हुई है, वो हुई है 1527 यानी कि 27 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने नगर कोट के किले में मस्जिद बनवाई थी? तो यहां पर जो है वो घूमने के लिए कांगड़ा जहांगीर आए थे, तब उन्होंने जो है यहां पर एक मस्जिद बनवाई थी, तो आंसर जहांगीर रहेगा। नगरकोट मतलब आपका कांगड़ा, पुराना कांगड़े की बात की जा रही है। घमंड चंद के समय कांगड़ा का प्रसिद्ध किला किस मुस्लिम के अधीन रहा है? तो वो रहा है नवाब सैफ के लिए या सैफ अली खान, ठीक है, सुबेदार था नवाब सैफ, सैफ लिखा है, सैफ अली भी कई ऑप्शंस में आया है। अगला है, 1815 में सुंगोली संधि के बीच किसके बीच हुई थी? तो वो हुई थी सुंगोली संधि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। किसके बीच? अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी।
अगला सवाल, 1857 के विद्रोह संग्राम के दौरान किस रियासत ने तटस्थ रवैया अख्तियार किया था? तो वो था बुशहर रियासत ने। कौन सी रियासत ने? बुशहर रियासत ने जो है वो तटस्थ जो है रवैया, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो है रवैया उन्होंने अख्तियार किया था, यानी कि अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सिरमौर रियासत के में किस पद पर कार्यरत थे, यानी कि कौन से पद पर जो है वो जॉब कर रहे थे? तो वो थे जस्टिस, यानी कि न्यायाधीश की जो है वो पोस्ट पर आसीन थे। नेक्स्ट आता है, सिरमौर का पछोता आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो पछोता आंदोलन जो सिरमौर का है वो है अंग्रेजों के विरुद्ध। अगला, बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के उपनाम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, त्रिलोकीनाथ लाहौल में मूल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? वो ललितादित्य के द्वारा जो है वो निर्माण किया गया था, ललितादित्य। नेक्स्ट आता है, त्रिलोकीनाथ मंदिर मंडी का निर्माण किसने करवाया था? तो अजवर सेन की जो महारानी थी सुल्ताना देवी ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अगला है, प्रदेश में के किस मंदिर में महिषामर्दिनी मूर्ति स्थापित की गई है? वो है हार्ट पोट्री मंदिर, शिमला में हार्ट पोट्री मंदिर। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रदेश में कब शुरू हुए थे? सन 1952 ठीक है। नेक्स्ट आता है, रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो 13,050 फीट है। कितनी है? 13,050 फीट। अगला सवाल है, मेजर कनेडी ने शिमला में पहला पक्का मकान कब बनाया? बहुत बार आता है मेजर कनेडी के ऊपर ये क्वेश्चन, बहुत बार देखने को मिला है। 1822 में जो है उन्होंने इसे बनाया था। कब बनाया था? 1822। अगला है, भूतपूर्व पटियाला रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम बताओ। तो उनकी जो राजधानी थी वो चैल थी। कहाँ पे है वो आपको पता है, सोलन में ये चैल है। तो और आप इसे याद रखें, बौद्ध तो हिंदू और सिखों के पवित्र स्थल को क्या स्थल कहां पर है, यानी कि तीनों धर्म का स्थल है, एक ही है रिवालसर मंडी में, ठीक है। तो याद रखिएगा, तीनों धर्मों का एक ही स्थल रिवालसर मंडी। अगला है, 1952 में या 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो 36 निर्वाचित सदस्य थे। कितने थे? 36 निर्वाचित सदस्य थे। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर के में के विलय के कारण प्रदेश विधानसभाओं की सीट कितनी हो गई? जब बिलासपुर को इसमें मिलाया गया तो उसकी टोटल सीटें होगी 41, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है, प्रदेश विधानसभा किस वर्ष भंग कर दी गई तथा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश शासित राज्य बना? तो सन 1956 में जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कोटधार, जंझियार, त्यून धार, बांदला धार, बहादुरपुर, रतनपुर धार और नैना देवी, 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये कहां पर हैं? तो आपको यहां से जो नकल मिली है वो ज्यादा से ज्यादा यहां से बहुत अच्छे से मिलेगी, नैना देवी का मंदिर, और जो कि बिलासपुर में स्थित है। कहां पे है? बिलासपुर में स्थित है। अगला सवाल, अली खड, गब्बर खड, सीर खड, अब तीन खड्डे हैं, ये कौन सी किस नदी पर से जो है वो मिलती हैं? वो है सतलुज नदी से मिलती है। कौन सी नदी से मिलती है? सतलुज नदी से मिलती है। हरिचंद के किस पुत्र कांगड़ा के राजा ने एक खेल में चालाकी से मारा था? तो वो था सुबीर चंद को। किसको? सुबीर चंद। अजीत चंद ने हिंदूर राज्य की नींव रखी थी, इसका वर्तमान नाम क्या है? तो इसका नाम है हिंदूर, किसका पुराना नाम है ऐसे भी रख सकते हो आप, वो है नालागढ़।
नेक्स्ट आता है, राजा रतन सिंह चंद ने दिल्ली के सुल्तान को शेर के हमले से बचाया था तो सुल्तान ने उसे कौन सी उपाधि दी थी? तो उसको खिल्लत की उपाधि दी थी और एक शाही पोशाक दी थी। कौन सी? एक शाही पोशाक और खिल्लत। पंजाब के कीर्तपुर में बिलासपुर के किस राजा का मकबरा है? वो है ज्ञान चंद। क्या आंसर रहेगा? ज्ञान चंद। इसी प्रकार से अगला सवाल है, गुरु हरगोविंद सिंह को कीर्तपुर और कल्याणपुर किस राजा ने जागीर में दे दिए थे? तो वो भी राजा कल्याण चंद ही थे। कौन थे? राजा कल्याण चंद। और आज का आखिरी सवाल, और अच्छा टोटल 599 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। और ये आज की हमारी वीडियो रहेगी और इसको आप शेयर करिएगा, और भी मैं आगे ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा और बेहतर तैयारी हम करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन 599 तक हुए हैं, 600 क्वेश्चन जो हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में 600 से हम शुरू करेंगे, 600 से, और इन क्वेश्चनों को और बेहतर बनाकर हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये थे आज के सवाल, तो इसी के साथ नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक लिए अपना खास ख्याल रखना प्यारे बच्चों, और जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।